अल्लाम वरहत लिया वरक शेख मैं वेस्ट बंगल खड़गपुर से बोल रहा हूँ मेरा सवाल ये है कि क्या मैं सजदे की हालात में दुआ कर सकता हूँ और कौन कौन सी सी दुआ कर सकता हूँ और फर्ज सुन्नत नफिल तीनों नमाज में दुआ किया जा सकता है या फिर सिर्फ़ नफल नमाज में दुआ किया जा सकता है ज़रा तफसील से जवाब दे बड़ा मेहरबानी होगी व भाई साहब का सवाल ये है कि सजदे में हम दुआ कर सकते कि नहीं और कौन सी दुआ कर सकते हैं और फिर फ़र्ज़ नमाज में और सुन्नत में सजदे की हालत में दुआ कर सकते कि नहीं ये सवाल बार बार आता है नमाज में दुआ के ताल्लुक से सजदे वगैरह के ताल्लुक से या नमाज़ के आखिरी हिस्से में तशद वगैरह में दुआ के से कि कैसे करना भाई साहब का सवाल ख़ास सजदे से मतलब है कि सजदे में दुआ कर सकते कि नहीं तो देखिए इसका जवाब ये कि बिल्कुल सजदे में दुआ कर सकते हैं बहुत सारी अदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे की हालत में दुआ करने पर तरगीब दिलाई है और दुआ करनी चाहिए मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की एक हदीस है हदीस नंबर चार सौ बयासी अबू अल्लाह रद्ल हदीस के रावी हैं फरमाते हैं कि अन् रसोल सल वसलमकाल के अल्ला के रसूल सल्हु वसलम ने फरमाया अरबमा यकून रबी ही वह हुआ साजिद कि एक बंदा अपने रब से बहुत ज़्यादा करीब उस हालत में होता है जब वो सजदे में होता है एक नमाजी शख्स सजदे की हालत में होता है तो वो रब से बहुत करीब होता है तो उसबत का तकाज़ा क्या है नबी फरमाते हैं फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दुआ करो तो सजदे की हालत में अल्लाह की हमद करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं हम सुबहाना रब ये बहुत सारी हदीस में है तो अल्लाह की हमद भी कर सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं जैसा कि सही मुस्लिम की इस हदीस में है, बल्कि काफ़ा अख्तर दुआ सजदे में बंदा अल्लाह से बहुत करीब होता है तो उसको दुआ करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक़ बड़ा मज़बूत होता है अब भाई साहब का सवाल ये भी है कि कौन कौन सी दुआ करेगा भाई आप जो चाहें दुआ कर सकते हैं अगर कोई भी दुआ अच्छी दुआ जिसमें आपकी कोई मांग है और उस दुआ में वो चीज़ सिखाई गई तो आप वो दुआ याद कर लें सजदे में आप अल्लाह से मांग सकते हैं तो सजदे में अल्लाह से कोई भी चीज़ आप मांग सकते हैं आखिरत से मुतक है दुनिया से मुतल है बीमारी से मुतल किसी भी चीज़ के ताल्लुक़ से कोई भी जो जायज़ मांग है आपकी जायज़ ख्वाहिश आपकी अल्लाह से वो आप सजदे में मांग सकते हैं अब रहा मसला ये कि वो किन अल्फाज में आप मांगेंगे तो देखें कुछ दुआएं और कुछ अल्फाज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि इन अल्फाज में दुआ करनी चाहिए वो दुआएं आप याद कर लें सजदे में पढ़ें अल्लाह से दुआ करें और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ख़ास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजदे की हालत में कोई खसूसी दुआ करना साबित है कि नहीं तो देखिए इस बारे में एक रवायत मिलती है सही मुस्लिम ही की रवायत है हदीस नंबर चार सौ तिरासी इसके रावी अबू हरेरा रज़ी फ़रमाते हैं अन रसूल वसल्लम क्या नकल कि अल्लाह के रसूल वसल्लम कहते थे फी सजूद ही अपने सजदों में यानी आप वसल्लम सजदे में दुआ करते थे क्या दुआ करते थे अल्लाह मखरली व जिलहू व अखिर व नियत हो वसर रहो तो ये एक फाज हैं एक सेगा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप अपने सज़दों में इन अलफ़ा में दुआ करते थे तो अगर ये आप याद कर लें और ये दुआ करें अल्लाह ताला से तो बेहतर है लेकिन बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हदीस में पाबंद नहीं किया है कि आप सिर्फ़ इन्हीं अलफाज से दुआ कर सकते हैं इन अल्फाज से भी आप दुआ कर सकते हैं जो हदीस में वारिद है इसके अलावा जो दूसरी जगहों पर बतौर दुआ अल्फाज वारिद हैं उन्हें भी याद करके आप सजदों में पढ़ सकते हैं हती कि कोई ऐसी मांग आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जिसके ताल्लुक़ से कोई दुआए मासूरा आपको नहीं मिल रही है तो बरह रास्त वही ख्वाहिश और वही मांग अपने अल्फाज में आप अल्लाह के सामने रख सकते हैं अल्लाह ताला से मांग सकते हैं जब अल्लाह उसके रसूल ने पाबंदी को कोई नहीं लगाई है कोई हदबंदी मुतिन नहीं की है और अपने एक नमाजी बंदे को एक आज़ादी दी है कि वह सदने में जो चाहे मुझसे मांग सकता है तो हम उसकी आज़ादी नहीं छीन सकते हैं उसे इसका हक़ है सजदे में है अल्लाह से बहुत करीब है जो चाहे अल्लाह से मांगे जिस तरह चाहे अल्लाह से मांगे लेकिन वो मांग उसकी जायज़ होनी चाहिए उसकी ख्वाहिश जायज होनी चाहिए वो अल्लाह से मांगे इसमें कोई हर्ज की बात नहीं उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें